सचिन पायलट हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इन सभी नेताओं को देखा जाए तो खास तौर पर बड़े तरीके से, बड़े पैमाने में देखा जाए तो पार्टी के लिए तैयार किया जा रहा है। अब आप सबको यहाँ हमारी रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि पार्टी को मजबूत करने के लिए इन सभी नेताओं को एकजुट करके फैसला लेने के लिए तैयार किया गया। लेकिन यहाँ आपको मालूम हो ना हो, हार्दिक पटेल जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया तो भाजपा को कितना फ़ायदा पहुंचाने का काम करने की जिम्मेदारी ली है, भाजपा उन्हें किस तरह से सबसे बड़ा पद देगी सचिन से मिलने धोखे के बाद, क्योंकि सचिन को भाजपा ने ऑफर दिया, वो पार्टी में नहीं आए, ऐसी खबरें आने लगी थी। सचिन जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो अभियान की कमान संभालने का फैसला लिया है, कांग्रेस पार्टी से, राहुल से पूरे भारत को जोड़ने का, उनकी जिम्मेदारी उनके सिर पर बोझ बन जाएगी, क्योंकि हार्दिक 70 देखा जाए तो सीटों पर नुकसान कांग्रेस को पहुंचाने वाले हैं। गुजरात एक अहम जगह है, राज्य है, और गुजरात में फिर से भाजपा की जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगी 2024 में। ऐसे में गुजरात में पाटीदार समुदाय की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, आप जानते हैं, कुल 182 विधानसभा सीटों में से 70 पर इनका प्रभाव है, 14% हैं पाटीदार वोटर, और उनमें कड़वा पटेल और लेवला पटेल प्रमुख है। हार्दिक पटेल कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं। अब आप समझिए जरा कि कैसे वो बड़े पैमाने में बीजेपी को फायदा पहुँचाएंगे। जी हाँ, बीजेपी में जो पार्टी के नेता है कई ऐसे हैं पाटीदार समुदाय के लिए, लेकिन भाजपा कैसे देखा जाए तो कांग्रेस को फिर से करारी हार के साथ ही हारने का मौका देकर फिर से नाकामी सहने का जगह देने वाली। आप जानिए जरा, हार्दिक के आने से बीजेपी को बहुत शानदार फायदा होगा, 14% पाटीदार वोटर हैं जो अब इधर उधर नहीं जाने वाले। साल 1984 से लेकर 85 में पाटीदार समुदाय बीजेपी का लॉयल वोट बैंक रहा, और इसके बाद आप देखते ही हैं। अब यहाँ आप जानिए जरा कि इस तरह से बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि नरेश पटेल के प्रभाव का मुकाबला करने में बीजेपी को मदद मिलेगी हार्दिक के आने से, जो राजकोट के बिजनेसमैन है, जो कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाएं जता रहे हैं, तो हार्दिक उनके खिलाफ भाजपा में बड़ी तादाद में वोट बैंक अपनी तरफ खींचेंगे। 182 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए पाटीदारों की, तो उसमें से 70 पर प्रभाव हार्दिक के बीजेपी में आने से पड़ेगा। कई मुख्यमंत्री पाटीदार समुदाय से हुए हैं गुजरात में, चिमन भाई पटेल, केशुभाई पटेल, बाबू भाई पटेल, आनंदी भाई बेन पटेल और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हार्दिक भी पटेल हैं, तो फायदा तो होगा। हार्दिक को आने वाले समय में सीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सीएम कैंडिडेट के तौर पर हार्दिक को चुना भी जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ, कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने बनाया है जब बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है। वहीं आप सबको ये बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में से के साथ साथ, हार्दिक को लाने से बीजेपी की योजना साल 2012 वाले रिजल्ट को दोहराने वाली है। बीजेपी ने सौराष्ट्र में 30 सीटें जीती थी और लेवला पाटीदार बड़ी संख्या में है सौराष्ट्र में, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बिजनेसमैन नरेश पटेल को भी पार्टी में लाने की कोशिश में जुटे। हार्दिक के आने से नरेश को थोड़ा डर अब कांग्रेस की तरफ जाने में लगेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।